नमस्ते फ्रेंड्स, मदर्स प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं समर स्पेशल ड्रिंक रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको हम फ्रूट कस्टर्ड भी कह सकते हैं, फ्रूट फालूदा भी कह सकते हैं, कस्टर्ड फालूदा भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा हेल्दी होता है ये। हेल्दी क्यों होता है? क्योंकि इसमें मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्रूट्स इस्तेमाल कर रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स भी। और बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं। जिनके बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिट करेगा, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट फ्रूट कभी कभी नहीं खा पाते हैं। तो इसलिए इसमें कस्टर्ड में ऐड कीजिए और बच्चे आराम से खा लेंगे। और लास्ट में हम जब आइसक्रीम ऐड करेंगे तो बच्चे ऑफकोर्स खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, अगर आप कस्टर्ड पाउडर या किचन के रिलेटेड कुछ भी ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रखे हैं, आप उस पे जाकर ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हो। तो चलिए कस्टर्ड बनाते हैं। कस्टर्ड के लिए सबसे पहले मैंने दूध, मैंने आधा केजी दूध लिया हुआ है और मैंने आधी कटोरी चीनी ली हुई है। और इसी में से आधे केजी दूध में से मैंने एक कटोरी दूध निकाल दिया है। इसमें हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। तो ये कस्टर्ड पाउडर ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स, मैंने किशमिश और बादाम लिए, बादाम को मैंने भिगो लिए थे और मैंने चिया सीड्स को भी आधा घंटा पहले पानी में रख दिए थे। और ये फ्रूट्स में मैंने बनाना लिया हुआ है, ग्रेप्स लिए हुए हैं, अनार लिया हुआ है, पपाया लिया हुआ है और मैंगो लिया हुआ है। मेरे पास ये अवेलेबल था, मैं ये भी ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टर्ड, कि दूध में कस्टर्ड कैसे ऐड करना है। तो ये देखिए, ये मैंने जो आधा के जी दूध है ये हम गैस फ्लेम पे रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने अपने दूध को गैस फ्लेम पे रख दिया और वो मीडियम फ्लेम में रखना है और इसको अच्छे से बॉयल आने दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने आधा केजी दूध में से एक कटोरी दूध निकाल दिया था नॉर्मल में, और अब इसमें हम तीन चम्मच, मीडियम वाले चम्मच हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। आप ज्यादा करोगे तो वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैं तीन चम्मच ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने तीन चम्मच ऐड कर लिए हैं। अब मैं अभी भी बता रही हूँ, अगर आप ज्यादा करोगे तो वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, वो खाया नहीं जाता है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और कोई लम्स नहीं रखना है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए दूध अच्छे से बॉइल हो रहा है। अभी हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी आपको जितना मीठा पसंद है, मैं आधी कटोरी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि दूध और चीनी अच्छे से मिल जाए। चीनी और दूध भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम कस्टर्ड ऐड करेंगे धीरे धीरे और कड़छी के साथ हिलाते जाएं ताकि कोई लम्स ना आए। और इसको 2-3 मिनट के लिए हमें ऐसे ही बॉइल करना है। तो ये देखिए, हमारे 2-3 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से बॉइल हो रहा है। अभी हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। चलिए इसको अब हमें इसको नॉर्मल करना है। तो जब तक ये नॉर्मल होता है तब तक हम अपने कर लेते हैं। ये मेरा कस्टर्ड बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, अब हम फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें चिया सीड्स भी ऐड कर रही हूँ। इसकी तस्वीर भी बहुत ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में हमें इसको खाना चाहिए, 2 चम्मच। अब हम 1 by 1 फ्रूट्स ऐड करते हैं। पहले बनाना आप जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि बनाने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जी हम थोड़े रख लेते हैं, क्योंकि जब हमें फ्रूट्स कस्टर्ड फालूदा बनाना उसके लिए रख लेते हैं हम। लिए अब अनार के दाने थोड़ा, और थोड़ा सा हमें बादाम और किशमिश के दाने, और मैंगो पाया। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किचन के रिलेटेड कुछ भी ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रखे हैं, आप उस पे जाकर ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब हमारा ये कस्टर्ड फ्रूट बिल्कुल रेडी है, इसको हम फ्रिज में लगा देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम अपना फ्रूट कस्टर्ड फालूदा बनाते हैं, फिर दोनों की मैं इकट्ठी प्लेटिंग करूंगी। तो चलिए अब हम फ्रूट कस्टर्ड फालूदा बनाते हैं। जी मैंने रूह अब जैसे थोड़ा सा ग्लास डेकोरेट कर लिया है। ये सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपने चिया सीड्स, इसको ऐड करेंगे। मैंने चिया सीड्स ऐड कर लिए हैं। तो चलिए कस्टर्ड निकाल दिया था सेपरेट, अब उसको ऐड करेंगे हम। उसको ऐड कर लिया। अभी मैं मैंगोज, अपने मैंगोज ऐड करूंगी। अभी अपने पपाया को ऐड करेंगे हम। ग्रेप्स को ऐड करेंगे हम लोग। बनाना ऐड करेंगे। ये अनार के दाने हम लोग। ये बादाम और किशमिश के दाने। ये देखिए, ऐड करते हैं अपनी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम जो भी आपके पास होगी आप वो ऐड कीजिए। आइसक्रीम ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रूट कस्टर्ड फालूदा बिल्कुल रेडी है।
ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा फ्रूट कस्टर्ड फालूदा भी बिल्कुल रेडी है और मेरा फ्रूट कस्टर्ड भी रेडी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हो सके तो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गर्मी में जरूर ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स। बच्चों के साथ भी, बच्चे तो बहुत खुश हो जाए। अब ये गिलास मेरी बेटी के पास ही जाएगा।